हेलो फ्रेंड, भाई देव अजमल सर कोर्स किए में हम आपको वेलकम करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम आई फ्रेम को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आई फ्रेम टैग और इसके जो एट्रीब्यूट है उस पर भी हम बात करेंगे, और आई फ्रेम के ज़रिए हम जो हमारी पीडीएफ फाइलें होती है उसको भी हम इम्बेड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम आई फ्रेम को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई फ्रेम जो हमारे पास से टैग होता है उसको हम जब हमने दो चीज़ों के दरमियान हमें कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन करवाना हो, तो वहाँ पर हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। अब हमारी वेबसाइट है और हमने अपनी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट के जो कंटेंट है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट और दूसरी वेबसाइट का जो कंटेंट है उनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पर हम आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। या हम अपनी वेबसाइट में दो मुस्लिम जो हमारे पास वेबसाइट है या उनका जो कंटेंट है, उन कंटेंट को हमने अपनी वेबसाइट पर क्या करवाना है, उनका कंपैरिजन करवाना है, तो वहाँ पर हम आई फ्रेम टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आई फ्रेम टैग ले लेता हूँ और इसमें एक सोर्स, इसमें दो एट्रीब्यूट दिए गए हैं, जिसे हम एक हमें हमारा है फ्रेम बॉर्डर जिसको उसने 0 दिया है, और एक हमारे पास है एस आर सी। इसमें हम जो हमारा जो सोर्स होता है, सोर्स लिंक होता है, वो हम इसमें दे देते हैं। और इस देखिए इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है आई फ्रेम का। तो सोर्स लेने के लिए मैं अपना जो ब्राउजर है, तो सबसे पहले मैं गो लाइव पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ हमारी आउटपुट हमारी क्या आती है। देखिए हम कोई आउटपुट हमारे इस पर ब्राउजर पर शो नहीं होगी, सिर्फ कोड स्कीप के अलावा, क्योंकि कोड स्कीप को हमने एडिट टैग में लिया हुआ है और आई फ्रेम में हमने कुछ ही नहीं लिया, सिर्फ हमने उसका जो सिंटैक्स है वो हमें अभी लिखा है। तो सोर्स लेने के लिए मैं किसी वेबसाइट में यहाँ पर सर्च करता हूँ, BZU यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैं BZU ले लेता हूँ और इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये हमारे पास, इसका हमारे पास सोर्स, यहाँ पर हम इसका ये हम लिंक ले लेते हैं और अपना जो हमारा आई फ्रेम है वहाँ पर इसको क्या कहते हैं पेस्ट, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और इसी तरह मैं एक बार मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। आई फ्रेम को कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इसको पेस्ट करता हूँ ताकि हम दो वेबसाइटों के दरमियान जो हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो हम देख लें। यहाँ से इस सोर्स को मैं रिमूव करने के बाद मैं पंजाब जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है उसका मैं जो एड्रेस है वो सोर्स वो ले लेता हूँ। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी हमारा अपना सोर्स इसका भी हमने ले लिया और इसको मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, अब अपना जो हमारा ब्राउजर है उस पर जो हमारी आउटपुट है वो देखिए आप, अच्छा एक हमारे पास शो हो रही है, एक हमारे पास अभी शो नहीं हो रही, कुछ मिस्टेक वगैरह हुई तो वो हम उसको अभी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो WBCU इसमें मिस्टेक तो फिलहाल हमारे पास जो है वो तो कोई भी नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग हो रही, मिस्टेक कोई भी नहीं है, वो इंटरनेट का इशू। इसको मैं कंट्रोल एस करके हम हमारा जो ब्राउजर है हम उस पर जाके इसको ओपन करते हैं। अच्छा ये देखें नेट प्रॉब्लम इस तरह आ सकती है, ये देखिए अभी हमारे एक ओपन ही हो रही है, नेट का प्रॉब्लम है, रिफ्यूज टू नेट की वजह से, और ये BZU की जो हमारी साइट है वो हमारी ऊपर हो चुकी है। अब इन दोनों के दरमियान जो हमने कंपैरिजन करवाना है वो हम ऐसे अपनी वेबसाइट पर लाइव कंपैरिजन ये हो सकता है, इस तरह लाइव कंपैरिजन हो रहा है, वीडियो भी हम चला सकते हैं, एक वीडियो इधर और एक वीडियो इधर। ये एरर्स का पता नहीं क्यों आ रहा है, इसको हम नेट नहीं हो रही, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं BZU का जो है BZU का है वो ही लिंक यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको रिप्लेस करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसका कंटेंट ज़्यादा होगा तो लोड होने में वो इसको मुश्किल हो रही, थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है नेट प्रॉब्लम है। इसको मैं कंट्रोल एस कर रिफ्रेश कर देते हैं हम इसको, और ये देखिए हमारे पास दोनों जो साइट है वो किसकी हो गई है, BZU की ओपन हो गया। अब फर्ज कर रहे हैं ये हमारे पास ये और वेबसाइट है, ये हमारे पास और वेबसाइट है, अब ये दोनों के दरमियान जो हमने कंपैरिजन वगैरह करना है वो हम यहाँ पर कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं और वीडियो भी लगा सकते हैं। और हम यहाँ पर इसकी विड्थ मैंने 500 दी हुई है, और अगर मैं इसकी भी विड्थ, हम इसकी विड्थ भी दे सकते हैं कि इसकी विड्थ मैं 600 कर देता हूँ,
और इसकी भी मैं करता हूँ 600 करता हूँ। हाइट भी दे सकते हो आप, हाइट भी दे सकते हैं, हाइट में हाइट भी देख दिखा सकता हूँ आपको कि हाइट जो बर्बस है वो 60 हो जाए, और यहाँ पर भी हाइट जो के है। अच्छा इसको मैं आल्ट जी करता हूँ जाके मेरा बैरेज हो जाए टैक्स। यहाँ पर मैं इसको 600 दे दिए, बस ये रही है बर्बाद, ये बराबर। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देख हाइट और विड्थ बर्पस क्या होगी, बैरेज होगी है, हाइट भी होगी। आप जो हमारा कंटेंट है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह आप दो वेबसाइट के दरमियान अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो अपनी वेबसाइट पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये मैंने क्रोम पर ओपन की हुई है तो ये हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउज़र था हमारा ये था। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता था ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर क्या होता था कि हमारा कंटेंट बाकायदा से आ जाता है। अब देखो जैसे ही मैं करता हूँ वो देखो वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। अब ये इस तरह की इशू वगैरह प्रॉब्लम भी आ सकती है आई फ्रेम वगैरह, ये आई फ्रेम मेरी है, ये हमारा जो ब्राउज़र है उसमें, ये मैं मोज़िला यूज़ कर रहा हूँ तो ये देखो मोज़िला में ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, तो और जो हमारा क्रोम है उस पर नहीं आ रही, वो इसको मैनेज कर रहा है। ये ब्राउज़र के जो वर्जन होते हैं उसमें प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप क्रोम यूज़ करेंगे तो आपको नहीं आएगी। देखिए मेरे पास तो फिलहाल अभी नहीं आ रही, और इसमें एक हमारे पास बॉर्डर ये रह गया हमारे पास फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर इसमें इसने 0 दिया। अगर हम इसको 5 कर दे, बढ़ा दे बॉर्डर को, आप अगर हम बढ़ा दे तो हमारे पास क्या होगा। जैसे हम बॉर्डर को बढ़ाएंगे तो देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है ना, ये देखिए ये बॉर्डर रेडियस ये हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब मैं इसको कम करता हूँ ताकि आपको जो वाजह फ़र्क आ जाए। देखिए 0 पहले पहले वाले कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके दोबारा इस पर जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 1 मिनट। अच्छा पहले हमने रिफ्रेश नहीं किया था तो वही आ रहा था। अब देखिए अब आप बॉर्डर देख रहे हैं, इतना हमारे पास क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है 0-0 पर। अब मैं इसको 5 करूँ और इसको भी मैं 5 करूँ और कंट्रोल एस करूँ और क्रोम पर जाकर इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए ये हमारे पास बॉर्डर आना शुरू हो गया, आज का हमारे पास बॉर्डर। तो इस तरह आप जो हमारा बॉर्डर है उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी आई फ्रेम के जरिए पीडीएफ फाइल को कैसे अटैच कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें।